बड़ी सुंदर बात कही, घना दिने सोलियो रे अब जाग मुसाफिर जा। घंटे वास्ते आप तो सोच रिया हाँ कि भाई जागी तो रिया हाँ, सबने देख रिया हाँ, लेकिन जागनो किसे दिन के जिके दिन आप समझ जावा कि वो संसार एक ब्रह्म है, एक स्वप्न है, एक झूठ है, भी दिन समझ लेनो कि अब अपनी आँखियाँ खुल गई। और जित तक माया री पट्टी बांधोड़ी है तब तक आप नहीं समझ पावा। क्यों? क्योंकि भगवान और अपारे बीच में एक माया रूप पर्दो है। कठपुतली नचावना हो अपने अंगुलिया रे इशारा पर नचावे और खुद पर्दे रे पीछे छुपड़ो रहे, लेकिन वे कठपुतली किया नाचे किया नहीं, वे सामने वाले ने समझ को नहीं आवे। अगर एक अंगुली ऊपर करी तो वह हाथ भी ऊपर कर सी कठपुतली। बिल्कुल वी प्रकार आपा भगवान री कठपुतली आहा, और भगवान ई माया रे पीछे पर्दे रे पीछे बैठा बैठा आपा ने आप रे हाथा रे इशारे पर नचा लिया है। इंडे वास्ते अगर नेत्र खुल सी तो किसे दिन जी के दिन सत्संग में जावा और कोई इसी बात सुन अगर अपारो जीवन बदल जावे, समझ लेनो के बी दिन अपारो जीवन अब कृतार्थ हो चुक्यो है, अपनी कथा सुनोड़ी सफल बन चुकी है। अठीने इसी इसी कथारी सत्संगरी महिमा नरसी जी ने संत लोग सुनाई, तो नरसी जी सुनी सुनता ही वठी बैठा बैठा मुनिम लोगा ने बुलावे और बुलार जितनी संपत्ति थी 14 करोड़ री वह सारी संपत्ति दान कर दी, सारी री सारी बांट दी। भगवान परीक्षण करने आया, कहीं एक पीछे हवेली बची थी, गरीब रूप धारण कर भगवान ठाकुर जी और बठे आवे। क्यों? क्योंकि एक बार द्वारिकाधीश रुक्मणी जी प्रश्न करियो कि प्रभु आप दिन रात नरसी नरसी भगत नरसी भगत करता रहो, इसो कहीं है थारे नरसी भगत में कहीं कर सके वो? बोले रुक्मणी शब्दा सुकैर नहीं बताऊं, वो तो दृश्य आप देखता जाओ और वही करियो। उन समय भगवान गरीब रूप धारण कर आ और कहने लगा कि मैं पीछे रही गयो नरसी जी, सबने तो बांट दियो लेकिन मारे हाथ में कुछ भी नहीं आयो। नरसी जी कहने लगा भाई अब मारे पास में कई बच्चे है जो मैं थने दूं। बोले आ हवेली। बोले चल आ हवेली तू ही राख। उन समय रुक्मणी जी ने मालूम पड़ियो कि नरसी जी भगवान रा कितना बड़ा भगत है। अगर आपने कोई कहे सत्संग में कि भाई थारी तिजोरी री चाबी है वा थाने छोड़ थारे घर आलियां जो भी है बने भुला दो दई जे, बड़ी दोरी निकली क्यों दई जे नहीं, लेकिन वे धन्य हो नरसी मेहता जो सत्संग रे माध्यम सु पूरी री पूरी संपत्ति दान कर दी और भगवान री भक्ति में लाग गया। देखो जो नरसी जी रो भाई थो वंशीधर, जब नरसी जी सड़क पर फिर रहा था तो कई लोग जा और वंशीधर ने कहने लगा कि आप तो अठे पहरे में फिर रहा हो लेकिन थारो भाई तुझको बड़ो सेठ कहलाव तो सारी की सारी संपत्ति बांट दी, करोड़पति सु रोड़पति बन गया खड़िया है। उन समय वंशीधर जावे और जा आपरे भाई ने लेर आवे, नरसी जी ने घरा लावे तो घर भुजाई लड़े। बोले खुदरो तो घर लोगा ने बांट बांट आई गया और अब मारो घर ही ए नहीं छोड़े। जब ए ताना मिले तो भी भगत रे लिए कितो मुश्किल हो महाराज। लेकिन नरसी जी कोई कमरा में नहीं रहता, नरसी जी कठे रहता गौशाला रे मायने रहता। लेकिन जिकी टाइम नरसी जी रे पास में खूब संपत्ति थी तो नरसी जी री बेटी जीरो नाम थो हर नंदी बाई, लेकिन छोटी थी तो वीने नानी बाई कैर बुलावता। तो वी नानी बाई रो ब्याह नरसी जी अंजार नगर में श्रीरंग जी रा ज्येष्ठ पुत्र वसंत राव रे साथ में करियो। तब नरसी जी री टीकरी नानी बाई नाम, ब्याही श्री रंग के घरा नगर अंजार सुग्राम। अंजार नगर में नानी बाई रो ब्याह करियो। नरसी जी रो एक बेटो भी थो श्यामल दास, लेकिन कहियो जावे कोई
एड़ी बीमारी की वजह से वो पुत्र भगवान रे धाम चलियो जा। नरसी जी अब गौशाला रे मायने बैठा है, भोजाई ने घरे आवड़ा तो सुवे नहीं, तो अब मन में विचार करे कि लड़ाई रो मैं काई कारण ही सोदू जी कहूँ लड़ाई नरसी जी कर और नरसी जी ने घरों निकाल दूँ, क्योंकि बिने तो इतो ही चीज तो हमसे लड़ो हमसे लड़ो हमसे लड़ो हमसे लड़ो। अब इतनी किम शक्ति है कि कोई सामने जार भिड़े के ले भाई मैं आयु हूँ लड़न रे वास्ते, तो नरसी जी तो लड़ाई से दूर रहता, लेकिन भौजाई ने चाहते हुए भी आज कारण रखी दियो। जीव नरसी जी आकर जामने लागा, तानो देनो शुरू करियो, हाँ नरसी काम काज की करे नहीं, मुफतरी रोटियां तोड़े जाओ आज जंगल में और जार बड़ी तो ले रहा हूं। और याद रखीजो अगर सिंजा सु पहला बड़ी तो नहीं आयो नी तो आज रे सिंजरी रोटी थाने नहीं मिलेला। नरसी जी कहने लागा भौजाई सा बात लकड़ियारी तो है, बात बड़ी तेरी तो है, इतना गर्म क्या ने हो रिया हो, अगर ए शब्द थोड़ा मीठा हो मीठे मीठी वाणी कर बोल दे उतार तो थारो कोई मोल थोड़ी ना जाव तो। लेकिन वास्तविक में सुओ तो बहुत मिर्च खावे लेकिन फिर भी तो मीठो बोले, और ओ मानव मनुष्य इतनी शक्कर खावे लेकिन फिर भी इतो कड़वो बोले महाराज। इन्हें वास्तव दूसरे ने सही करने से पहला खुद में जा कर देखो, वाणी ऐसी बोली मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, पहला खुद भीतर जा कर देखो फिर दूसरे पर अंगुली उठानी चाहिए कि आपा कहीं आ। तो आठी ने नरसी जी भोजाई कहने लगी कि जाओ आज जंगल में जार बड़ी तो ले रहा हूं, और सिंजा सु पहला बड़ी तो नहीं आये तो सोच लीजिए। नरसी जी चुपचाप निकल गया, जंगल में जावे वन में जावे लाकड़ियां काटी और लाकड़ियां काट बांथली बनाई, बांथली बनाने रे बाद रे मायने वह बांथली ले और जी रस्ते में चालने लग गया कि रस्ते रे मायने एक कीर्तन हो तो भी कीर्तन रे मायने जय रमिया के भोजाई री सेन बाता भूली। अब कीर्तन करता करता सींजा पड़गी, अब सींजा पड़गी तो शाम हुई तो कीर्तन मंडली तो चली गई, अब नरसी जी बचा अकेला। आई भोजाई री सेन बात याद, अब घर जाऊं नीर भोजाई लड़ी, लेकिन मन में विचार करे कि अब कई करूं, रस्ते में चाल दिया है कीर्तन कर दिया है, करता करता घरा पहुंचे, सोचे मन में विचार करे धीरे से रसोई घर में लाकड़ियारी बांध नहीं रख और मैं गौशाला में जार बैठ गया। देखो नरसी जी कोई मानो तो बड़े रूम में बड़े महल में नहीं रहता, मात्र एक गौशाला में रहता। आजकल अगर बड़े बेटे रो कमरो थोड़ो छोटो और छोटे बेटे रो कमरो थोड़ो बड़ो हो जावे तो महाराज आपस में लड़ाई शुरू हो जावे कि मारे यूं किया होयो। लेकिन एक बात याद रखी जो कोई चीज री जीती आपा ईर्ष्या करा, जीता आपा उन चीज रो या सोचा कि आ मैं पाला तो ठीक है, तो अज की अपर हिस्से में चीज होवे नी वही आपा सु चली जावे। इन्हें वास्ते जीती है बीते में खुश रहनो सीख जाओ। और इतो सरल स्वभाव नरसी जी री लुगाई रो कि काई कहवणो कि कभी भी लड़ाई नहीं करती। नरसी जी री भोजाई लड़ाई रे लिए कोई ना कोई बानो ढूंढती रहती, नरसी जी री लुगाई झाड़ू निकालती तो कचरो लार नाक देवती, वह मन में विचार करती भाई एक करोड़ बार ले सू एक करोड़ झाड़ू निकाल ले सू मारे कहीं तो वे थोड़ी ना है कुछ, लेकिन लड़ाई नहीं करती। सब्जी बनाती तो नमक ज्यादा डाल देती लेकिन फिर भी नरसी जी री लुगाई लड़ाई नहीं करती। और नरसी जी री लुगाई ने सब कई कहन बुलावता बहू, और बहू रो मतलब कई होवे संत महात्मा कया करे कि बहू रो मतलब होवे जो बहुत करके भी हूँ करियो ना करे वो है बहू। 10 दिन पहला घर री सफाई करी और 10 दिन तक गिनाई घर री सफाई मैं करी। अरे 10 दिन पहला करी, अब तो घर को जो पड़ियो है अब तो करो। सुबह री रोटी बनाई शाम तक गिनाई, आज री रोटी मैं बनाई
अरे सुबह बनाई सिंजा में तो घर वाला भूखा बैठा है, अब तो बना। तो कहने रो मतलब यो है कि संत महात्मा कहवे कि जो बहुत करके भी हूं करियो ना करे वो है बहु। और वा कुण है? वा नरसी जीरी लुगाई। आठी ने नरसी जी मन में विचार करे धीरे से लाकड़े री मातली रख और मैं चुपचाप जार गौशाला में बैठ जाऊं। जोग ही एड़ो होयो महाराज, वडोरी टूटी और टूट पाई सेन लाकड़ा हड़न कर नीचे आर गिर पड़ी। अब आठी ने महाराज नरसी जी री भोजाई ने ठाप पड़ियो। अब नरसी जी री भोजाई का आई क्यों नरसी इतनी देर कठे लागी था ने? नरसी जी कहने लगा धीरे से बोलिया भौजाई सा वो कीर्तन हो तो मैं कीर्तन में बैठ गयो। अब काई करूं आ लाकड़िया सु मैं पढ़ू? अरे काई करूं इतनी देर लागे था ने लाकड़िया लावतन? बोले भौजाई सा माफ कर दो, मैं कीर्तन में बैठ गयो तो भगवान का नाम सुनता मन याद ही नहीं आई आपरी बाता। याद नहीं आई कीर्तन करने जाऊं बठ रोटियां गीटने के लिए आओ अठ कीर्तन वाला रोटियां गाली को नहीं थाने जाओ आज मैं भी देखो धन कीर्तन वाला रोटियां गाले के। नरसी जी हाथ जोड़े कहने लगा भौजाई सा माफ कर दियो, आज के बाद में इसी गलती कदी नहीं करूं भौजाई कदी नहीं करूं, आज माफ कर दो। भौजाई तो फन करती कमरा में चली गई। अब नरसी जी गौशाला रे मायने आर बैठ गया। भोजाई रोटी लार नरसी जी रे आगे रख देवे। रोटी महाराज नरसी जी उठार देखे तो मानो कि बा मोड़े तो मुड़े नहीं रे, तोड़े तो बा टूटे नहीं रे, भिजोवे तो दो घंटा लागे इतनी चीड़ी रोटी। नरसी जी धीरे से बोल पड़िया भोजाई सा रोटी थोड़ी ठंडी है, रोटी थोड़ी उन्नी लिया दो। रोटी तो कहड़ा कैड़ी गुनी मिली महाराज, हुई भोजाई उन्नी भावे उन्नी रोटियां थने मारो धने वट कमावे, मैं बिनी उन्नी रोटियां नहीं गालू थे कहीं घना न्याल करो माने जी को थाने उन्नी रोटियां गालू, और घनी इतनी उन्नी उन्नी रोटियां भावे नहीं तो जाओ की कमाई करो या बाबो जी बन बैठने की कुन्नी होवे। उत्ते में तो बडोड़ा भाई साहब आ गए कि उन्हें लगा कई बात है। अठी ने नरसी जी बोल पड़िया भाई साहब इसी कोई बात नहीं है, मैं तो भोजाई सा नहीं तो ही कहूँ उन्नी रोटी लिया दू मन उन्नी रोटी तो कहना कहड़ी मिली पर भोजाई माँ पर उन्नी हुईगी। अब तो महाराज भोजाई नहीं तो ही चाहिए तो हाँ मैं इसी हूँ तो मैंने घर में रखो ही क्या नो और थे नहीं निकालो तो मैं आ जाऊँ। अब आठी ने नरसी जी एक भगत है और भगत कदी कठी विवाद नहीं होने देवे। आठी ने नरसी जी कहने लगा भोजाई साहब आप क्यों जाओ, आप अठे रहो आप रो घर है, अगर जानो हुई तो मैं जा सोई घर में। नरसी जी वठे सू निकल जावे और पूरे दिन फिरता वन में पहुंचे और वन रे मायने एक शिवजी री शिवलिंग मिली और वे शिवलिंग ने पकड़ नरसी जी बैठ गया और आंखें रे मायने आंसू लिया। नरसी जी कहने लगा हे महादेव या तो आप मिल जाया नहीं तो मैं मारा प्राण अठे ही त्याग दू। 7 दिन तक नरसी जी बिना अन्न बिना पानी महादेव जी ने मनाया और जिको महादेव जी ने सानिध्य में जावे महाराज आ कदी हो सके कि महादेव जी उनकी नहीं सुने। महादेव जी इतना भोला है कि आप रो भगत एक बार भी अगर कह दे कि मन सुई तो मुंडी वा इच्छा पूर्ति कर देवे। तभी तो माता लोग अब देखो ठाकुर जी रे कृष्ण जन्माष्टमी श्रावण और राधाष्टमी कुछ ना कुछ आता ही रहे 11 आदि, लेकिन महादेव जी रे एक साल सु शिवरात्रि रो दिन आवे, एक साल शिवरात्रि रे दिन जल चढ़ाओ दूध चढ़ाओ और पूरे साल बस आराम ही आराम करो। बाकी जितना भी भगवान है बारो एक समय होगा कि इतने बजो लेर इतने बज तक आरो दर्शन प्राप्त है, उनके बाद में पट बंद हो जावे फिर दर्शन प्राप्त नहीं होवे। लेकिन महादेव जी रो नियम केड़ो है 2400 घंटा में भले ही कणी आओ महादेव जी हमेशा हर की भक्त ने मिलता ही रहसी।
देखो ई पर एक मन एक बात याद आई है, आज जो कथा है नी, आ कथा ही भगवान है, आ कथा ही तीरथ है। आपा तीरथ पर जावा, काशी पर जावा, काशी जावा या आपा अट बैठा हाँ तो आपा कह दे सा कि हे महाकालेश्वर, हे उज्जैन वाले महाकालेश्वर, आप बस इतनी कृपा करो, आप अट हमारे खियाला खियाला ने मायने आप आ जाया। तो वे महाकालेश्वर बटो उज्जैन सो चाल अठासी नहीं आवे, मैं कैसी थानी जरूरत है तो धई आओ बटे क्यों, और बटे लाइन में लाग दर्शन करना पड़े, और वे भी होवे तो होवे नहीं तो नहीं होवे। लेकिन सबसे बड़ो मंदिर, सबसे बड़ो भगवान रो एक मानो तो मूर्ति भगवान दी वाह है कथा, और जो कथा रे मायने आर भगवान री मूर्ति रा दर्शन करे महाराज, वटे ना तो देखो कि नहीं दूर तक जानो पड़े ना कोई बात, बात तो सामने चलर किरी ने किरी घर रे किरी ने किरी गांव में आवे, और इसो बड़ो तीर्थ और कई हो सके। और महादेव जी तो इतना भोला कि एक बार एक चोर महादेव जी रे मंदिर मायने घुस जावे, महादेव जी रे मंदिर मायने घुसे तो वो तो मन में विचार करें कि भाई महादेव जी रे मंदिर मायने तो गहना गांठा मिलने रिया, वट तो भांग धतूरा इनके अलावा और कुछ मिले नहीं। तो एक सोने रो घंटो हो, अभी घंटे ने देखे भाई मिले जी चोखो लेर जावा, वो घंटे ने उतारने की कोशिश करे लेकिन उतारे कहीं पहुंचे नहीं। तो महादेव जी री शिवलिंग ही, महादेव जी री शिवलिंग रे ऊपर चढ़ और जी भी घंटे ने उतारण ने लागे उते में महादेव जी प्रकट हो जाए। अब महादेव जी प्रकट होया तो वो थर 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 कांप रियो, महादेव जी कहने लगा कई बातें कांप क्यों रियो है, अरे कोई तो मने धतूरा चढ़ावे, कोई दूध चढ़ावे, कोई मेवा मिष्ठान चढ़ावे, लेकिन तू तो भोड़ो भगत ईसो है जो खुद स्वयं ही मारे ऊपर चढ़ गयो, थाऊ पटो और भगत पूड़ो हो सके, बोल तू आज कई मांगनो चावे, सब पूर्ति करूँ जो मांगी हो। तो जो इतना दया बरसाने वाला है महाराज, मारी कुण ना सुने। नरसी जी के उन्हें लगा है महादेव जी आज का तो आप मिल जाओ, नहीं तो मैं हमारा प्राण अठे ही त्याग। BS मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो का आप लाभ उठा सकें।